आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। साथियों, आज एम्स जज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाए ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी, ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि रुके कहां, ठहरे कहां। अब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों की यह तकलीफ काफी कम हो जाएगी। खासतौर पर हरियाणा के लोग, दिल्ली और आसपास के लोग, उत्तराखंड के लोग, इन सबको इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था सबका प्रयास, ये सबका प्रयास की जो बात कही थी, कोई भी सेक्टर हो, जैसे ही उसमें सामूहिक शक्ति जुड़ती है, सबका प्रयास नजर आने लगता है, तो परिवर्तन की गति भी बढ़ जाती है। 10 मंजिला ये विश्राम सदन भी सबके प्रयास से इस कोरोना काल में बनकर तैयार हुआ है। और ये भी विशेष है कि इस विश्राम सदन में देश की सरकार और कॉरपोरेट वर्ल्ड दोनों की साझा शक्ति लगी है। इंफोसिस फाउंडेशन ने विश्राम सदन की इमारत बनवाई है, तो वहीं इसके लिए जमीन देने और बिजली पानी का खर्च एम्स जज्जर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मैं एम्स प्रबंधक और सुधा मूर्ति जी की टीम का इस सेवा कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं।